हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। बीजे व्यंजक की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं, आज हम आपको गुणा बताएंगे। इसके पहले हमने आपको संक्रियाओं में जोड़ और घटाव, अर्थात बीजे व्यंजकों को आप किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि गुणा आप किस प्रकार से कहते हैं। अभी जैसे जोड़ हमने आपको बताया था, तो हमने बताया था जब आपके पद और घाते दोनों क्या होंगी, समान होंगी, तो आप केवल उनके गुणांकों को आपस में जोड़ या घटा देते हैं, चिन्हों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए। गुणा में क्या करेंगे, गुणा में हम समान पदों के घातों को तो जोड़ने और घटाने का कार्य करते हैं, चिन्हों को भी हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं और गुणांकों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चिन्हों से ध्यान में रखते हुए करते हैं, चिन्हों का क्या करते हैं। देखेंगे यहाँ पे, अगर दो समान चिन्ह हो, क्या हो, दो समान चिन्ह हो, तो हमको सदैव धनात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे अगर आपका प्लस हो और क्या हो, प्लस हो, ये दोनों समान चिन्ह है, तो हमें मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। कैसे, अगर आप जैसे मान लीजिए चार और क्या करते हैं, चार का गुणा करते हैं, दोनों में प्लस प्लस है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और मान लीजिए माइनस और माइनस, अभी दोनों माइनस है, हमने कहा समान जो चिन्ह होते हैं वो सदैव आपको धनात्मक मान प्रदान करते हैं, तो माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जब कभी भी आप गुणा करेंगे दो पदों का और वहाँ पे क्या हो जाए, आपको दो माइनस चिन्ह मिल जाए, तो वहाँ पे आप हमेशा प्लस का निशान लगाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए माइनस चार है और माइनस चार है, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, केवल 16 लिखा जाएगा। मान में कोई अंतर आया क्लास, बिल्कुल नहीं आया। और हमने कहा अगर असमान चिन्ह होते हैं तो असमान चिन्ह आपको हमेशा ऋणात्मक मान प्रदान करते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए एक चिन्ह आपका माइनस हो और दूसरा चिन्ह आपका प्लस हो, देखिए अगर दो पद हैं तो दोनों पदों में अगर चिन्ह क्या हो, असमान हो, तो आपको माइनस का मान प्राप्त हुआ, और अगर आपका पहला पद प्लस हो दूसरा पद माइनस हो, तब भी आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। ये कब के लिए हो गया आपका, ये जब आपके दो पद हो गए तब के लिए हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास तीन पद हो तो आप क्या करेंगे, तीन पद के लिए जैसे मान लीजिए आपको एक चिन्ह क्या मिल जाए, आपको प्लस मिल जाए, दूसरा क्या मिल जाए, प्लस मिल जाए, और तीसरा क्या मिल जाए, माइनस मिल जाए, तो हम गलती नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और उसके बाद हमें एक प्लस मिल जाएगा, फिर प्लस माइनस, हम पहले दो पदों का गुणा कर देंगे, फिर तीसरे पद का गुणा कर लेंगे। अगर तीनों का गुणा एक में करते हैं, चिन्हों का गुणा कर लेंगे, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए माइनस है, माइनस है, अभी माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस हुआ था ना, और अगर एक माइनस और हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको एक पद प्लस मिल जाए और शेष दोनों पद क्या मिल जाए, आपको माइनस मिल जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार आप दो पदों में, तीन पदों में सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करना सीख लीजिए। जब आप चिन्हों का गुणा कर लेंगे तो कम से कम आपका मान गलत होने का चांस नहीं रहेगा। अब आइए देखते हैं घातों का गुणा कैसे करते हैं। घातों के गुणा में हम क्या देखेंगे, घातों के गुणा में जैसे मान लीजिए आपका कोई पद क्या है, ए है, और ए की घात क्या है, यम है, और दूसरा पद आपका ए की घात यन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका व्यंजक है ये समान पद है, मतलब जो चर पद आपको मिला है ये क्या है, समान है। ये आपका ए की घात यम गुड़े बी की घात यन है, नहीं है, दोनों पद क्या है हमारे, समान है। अगर दो पद क्या हो, समान हो, तो आप यहाँ पे घातों को क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए आपको ए की घात आपको दो मिल गया, गुणा आपको करना हुआ ए की घात दो से, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, दो प्लस दो जोड़ेंगे ए की घात चार हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ए की घात दो हो गुणे बी की घात दो हो, अब हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि समान पद नहीं है, तो आप ए की घात दो बी की घात दो ऐसे लिख सकते हैं। हमने आपको बताया कि अगर कोई चिन्ह ना लगा हो तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है,
तो यहाँ इसका कहने का तात्पर्य, अगर ए की घात यम गुणे बी की घात यन हुआ तो हम कुछ करेंगे नहीं, ए की घात यम बी की घात यन लिख देंगे। ये गुणा में आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, अगर जैसे मान लीजिए ए की घात यम है, अभी तक गुणा में था, अब ए की घात यम की घात यन है, ठीक है। यहाँ ए की घात यम और ए की घात यन अलग अलग था, अब आपको क्या दे दिया गया, ए की घात यम की घात यन दे दिया गया, दो घातें दे दी गई, तो आप बिल्कुल गुणा नहीं, यहाँ पे जोड़ नहीं करेंगे, आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ए की घात यम यन कर देंगे। जैसे मान लीजिए ए की घात दो है, घात तीन हो गया, तो आप दो और तीन जोड़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, ए की घात छः लिख सकते हैं, अथवा ए की घात दो प्लस ए की घात दो प्लस ए की घात दो, तीन बार था। इसका कहने का तात्पर्य आपका जो ए की घात दो है ये कितनी बार है, तीन बार है गुणा में। तो अगर हम इसको इस प्रकार से समझना चाहें कि अगर ए की घात आपका दो है ये कितनी बार है, तीन बार है, तो कहने का तात्पर्य ए की घात दो है, ए की घात दो है, ए की घात दो है, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब आपका जुड़ेगा तो बताइए ए की घात सिक्स हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया घातांकों का गुणा। आइए अब देखते हैं गुणांकों को किस प्रकार से हम जोड़ते घटाते हैं गुणा करते हैं। चिन्हों और घातांकों के गुणा के बाद आइए हम आपको पदों का गुणा बताते हैं। सबसे पहले क्लास हम बताना चाहते हैं, बीजे व्यंजकों में आपने जोड़ पढ़ा और घटाव पढ़ा, जिस प्रकार से आपको पता है कि छोटे बच्चों से लेके जोड़ घटाव के बाद गुणा कितना ही महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से बीजे व्यंजकों में भी जब आप कक्षा पाँच पास करते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में बीजे व्यंजकों का जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर आप अभी इसको प्रारंभिक तौर पे नहीं सीख लेते हैं तो फिर आगे आपको बहुत समस्या, कक्षा 9, कक्षा 10, हर क्लास में जिन बच्चों को जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आ रहा बीजे व्यंजकों का, उनके लिए द्विपद निकालना, बहुपद निकालना बहुत सी कठिनाइयां होने वाली हैं। इसके लिए आप बहुत ध्यान से एक एक स्टेप हम बहुत छोटी छोटी क्लासें पढ़ा रहे हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए आप पदों का गुणा कैसे करते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए 4x² है, क्या है 4x² है, इसका आपको गुणा करना है 5x से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप वन में आप अचर पदों को गुणा करेंगे, अचर पदों को आप मतलब ये आपका 4 और 5, ठीक है। बहुत ही आप छोटे छोटे स्तर से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से समझिए। 4, 5 कितना हो गया, 20 हो गया। अब यक्स स्क्वायर है मतलब यक्स गुणे यक्स है और एक यक्स का गुणा हो गया, ठीक है, 3x हो गए। आप x की घात कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। फिर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 20x की घात 3। आप एक लाइन में भी इसको लिख सकते हैं 4x² + 5x, ये दो चरों का गुणा हो गया। कितने का गुणा हो गया, दो चरों का। आप एक दो चरों का एक एक अगर आपका पद होगा तो उसमें गुणा करना नहीं होगा। जैसे आपको कोई 20x² दे दिया, 20x³ दे दिया गया, तो उसमें गुणा किसका करना है, किसी का नहीं करना है। जब दो पद होंगे तभी आपको गुणा करना है, तीन पद होंगे तब आपको गुणा करना है। और जैसे मान लीजिए चिन्हों के बारे में हमने आपको बताया, तो जैसे आपका -5x³y है, कितना है -5x³y है, गुणा करना है आपको 4x से, ठीक। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके जो चर पद हैं कितने हैं, दो आपको चर पद प्राप्त हो गया, एक x के रूप में एक y के रूप में, और आपको गुणा करना है 4 से। तो अगर आप 5 का गुणा 4 में करेंगे तो आपने तो गुणांकों का गुणा किया, लेकिन हमने आपको बताया सबसे पहले आप किसका गुणा करते हैं, सबसे पहले आप जो है चिन्ह का गुणा करते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका अर्थ है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस हमने आपको बताया क्या होगा, माइनस होगा। फिर आप क्या करेंगे, गुणांकों का गुणा करेंगे और 5 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप चर पदों का गुणा करेंगे, चर पद आपका यहाँ यक्स है, यहाँ यक्स की क्यूब है, तो समान चर पद क्या होते हैं, आपस में गुणा होते हैं, गुणा तो हो जाएंगे, लेकिन जो क्रिया होती है वो समान पदों के घातों में होती है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ कितना हो जाएगा यक्स की घात 4। वाई को हम क्या करेंगे, वाई को हम सेम टू सेम ऐसे ही
लिख देंगे, ठीक है। आप इन स्टेपों के माध्यम से देखिए हमने कैसे गुणा किया। एकदम आपको सबसे पहले हमने गुणांकों को बताया, फिर चर पदों को बताया, और फिर हमने आपको बताया दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। फिर अगर आपका चिन्ह क्या हो, चिन्ह भी अगर आपके अलग अलग हो तो आप उनको इस माध्यम से गुणा कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर आप समझिएगा, जो भी डाउट होगा आप बिल्कुल बताएं कमेंट करके। पूरी तरीके से आपको गुणा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका 5xy हो गया, कितना हो गया 5xy, और इसका आपको गुणा करना है 12xyz मानिए। चलिए माइनस हो सकता है, ठीक है, दोनों में माइनस है, क्या है दोनों में माइनस है। तो अब हमने आपको बताया सबसे पहले आप चिन्हों का गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा माइनस में क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, जी हाँ प्लस होगा। और 5 का गुणा आप 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का पहाड़ा आता है, आना चाहिए भाई 12 का पहाड़ा, 12 पंचे 60। अब देखिए यक्स आपको दिया है, यक्स यहाँ भी है। अब हमने बताया जब आप गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे एक घात है, यक्स की घात 2, वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे वाई की घात 2, जेड यहाँ पे है नहीं है, तो जेड को हम ऐसे ही लिख देंगे। देखिए आपका एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया। अगर आपके ये पद आपको कितने स्टेप में मिले, दो में। अब देखिए अगर आपको तीन व्यंजक दिए हों, जैसे मान लीजिए आपको 5x² दिया है और आपको 4xy दिया है और आपको -12xyz, ठीक है, ये आपको गुणा करना है, तीनों का गुणा करना है। हमने कहा आप जैसे मान लीजिए हमने इसको a बराबर माना, इसको हमने b बराबर माना, हमने आपको c बराबर, और हमने कहा a b c का मान बताओ, किसका मान आपको बताना है, a b c का, मतलब आपको तीनों का गुणा करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप यहाँ पे -5x² एक ब्रेकेट में, अगले ब्रेकेट में हम बिना गुणा का निशान लगाए ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है कि अगर जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ पे कौन सा चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब हमने आपको बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर इसको इस प्रकार से क्षैतिज रूप से लगाया जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। अभी हमने आपको तीन चिन्हों का भी गुणा बताया है, ध्यान देंगे, ये माइनस है, ये क्या है प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आप प्लस हो गया, प्लस आप ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना प्राप्त होगा, 5 20, और 20 का गुणा 12 में, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी चलिए हम दो दो पद आपको करके बता सकते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका दोनों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 का गुणा 4 में 20, x की घात 2 यहाँ पे है, x की घात यहाँ पे, x की घात 3, y का पद नहीं है, y हो गया। अब हमको ये भूलना नहीं है, तीसरा पद भी उतारना है, ठीक है। अब माइनस का गुणा माइनस में प्लस, 12 का गुणा 2 में 12 दूना 24, x की घात 3 यहाँ पे, x की घात 1 यहाँ, x की घात 4, y की घात यहाँ 1 यहाँ 1, y की घात 2, जड़ हमने वैसे ही लिख लिया। आपको आंसर मिला कि नहीं मिला, इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अगर हमको तीन पद मिल रहा है, चार पद मिल रहा है, या तो हम डायरेक्ट उसका गुणा कर दें, और अगर हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम दो पदों का गुणा एक बार कर लेंगे, और जब हम ऐसे गुणा करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, तो क्या होगा, फिर हम डायरेक्ट गुणा तीन पदों का, चार पदों का, पाँच पदों का बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो तीन पदों का एक गुणा और देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आप कैसे गुणा करते हैं। देखेंगे यहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए -14x² है, ठीक है, फिर उसके बाद -3/2xy है, और आपका एक पद यहाँ पे दे दिया जा रहा है -5/6x²yz, ठीक है, ये आपका हुआ। अब आप क्या करेंगे, आपको तीनों का गुणा करना है। आप एक लाइन में करें या दो लाइन में करें, या तो आप इस प्रकार से भी करें, आप गुणांकों का गुणा अलग कर दें, चिन्हों का गुणा अलग कर दें, बाद में सबको एक साथ गुणा कर दें। चलिए हम सबको गुणा करते हैं, एक साथ गुणा करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, गलत नहीं होगा, अगर आप ध्यान देंगे तो गलती बिल्कुल होनी नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया बच्चों, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, चलिए हमने माइनस लगा लिया, ठीक है।
चिन्ह का गुणा सही हो गया कि नहीं हो गया, अब फिर से मिला लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम गुणांकों को लिख लेते हैं। सबसे पहला गुणांक 14, अब हमें माइनस से नहीं मतलब है, 3/2 और 5/6, ठीक है, ये क्या हो गए आपके गुणांक हो गए। अब हम घातों, ये आपके जो चार पद हैं, यक्स स्क्वायर भी है, यक्स वाई भी है, यक्स स्क्वायर वाई जेड, माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, आप क्या करेंगे, आप दो से इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए 3 × 3, 3 × 2 = 6, 2 × 7 = 14 आपका हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ 2 बचा है केवल, 7 × 5 में 35/2, ठीक है। यक्स हम देखेंगे, यक्स की घात 2, यक्स की घात 1 3, और 3 × 2 = 5, यक्स की घात हमने कितना लिख लिया, 5 लिख लिया, वाई की घात 1, वाई की घात 1, वाई की घात 2, और जेड अकेला बच गया। ये देखिए आपका एक लाइन में सवाल लगा कि नहीं लगा, लग गया ना, तो फिर आइए थोड़ा सा और देखते हैं कैसे हम सवालों को लगाएंगे। देखेंगे आज का ये सबसे बड़ा सवाल आप बोल सकते हैं, इससे आप परिपक्व हो जाएंगे गुणा में। देखेंगे चार पद आपको दिए गए हैं, एक लाइन में मात्र सवाल लगाते हैं। सबसे पहले आप बहुत विशेष ध्यान से चिन्हों का देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस आपका माइनस, और माइनस माइनस प्लस का चिन्ह लगेगा, देख लेंगे यहाँ पे कैसे, ये दोनों का करेंगे माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। अब गुणांकों का, 5 × 3 = 15, और 15 × 6 = 90, 90 × 2 = 180, ठीक है, गुणांकों तक हो गया। अब हम यक्स वाई जेड का कर लेंगे, यक्स की यहाँ एक घात, यहाँ 3 घात गुणा में जुड़ जाते, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, यहाँ पे यक्स की कोई घात है नहीं है, यक्स की घात 6, वाई की 1 घात, 3 × 1 = 4 घात, 4 × 2 = 6 घात, 1 = 7 घात, वाई की घात 7, जेड की 1 घात, 3 × 4 घात, 4 × 2 = 6 घात, 1 = 7 घात, वाई की घात ओ जेड की घात 7। देखेंगे एक लाइन में सवाल लगा नहीं लगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इस तरह से एक लाइन में गुणा का सवाल लगा सकते हैं। तो आज का ये अंतिम सवाल था, अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, आप गुणा को बहुत ही विशेष रूप से अध्ययन करते हुए आज की वीडियो को आप बहुत अच्छे से पहले देखिएगा, सभी आप माइनस प्लस चिन्हों का गुणा, फिर गुणांकों का, घातांकों का, सब गुणा देखने के बाद आप सवालों को लगाइएगा, जो सवाल ना आए अवश्य कमेंट करके आप पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। कल आपके लिए फिर से हम गुणा की एक क्लास लेके आएंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा वो कल की क्लास भी अवश्य देखें, तब तक के लिए धन्यवाद।